हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेलिंग विद पारुल। फ्रेंड, आज हम छोटे बच्चे का जो फीडर एप्रिन होता है उसकी कटिंग करना सीखेंगे। जब छोटे बच्चे खाना खाते हैं वो अपने कपड़ों पर फैला लेते हैं, जो एप्रिन बनता है उसकी कटिंग करना सीखेंगे। और फ्रेंड, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर। देखिए, इस कपड़े में से हम फीडर बनाएंगे और इस कपड़े की हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपके पास प्रिंटेड बेबी प्रिंट के कपड़ा हो तो उसमें से बनाना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे पास अभी फिलहाल प्लेन कपड़ा था, मैं इसी का बनाना सिखाती हूँ आपको। और पाइपिंग अगर आपके पास रेडीमेड है तो रेडीमेड लगा सकते हैं। मैं इस कपड़े में से आपको पाइपिंग काट कर बनाना बताऊँगी। देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है, हमें 16 इंच लंबा कपड़ा लेना। लंबाई 16 करनी है इसकी, और जो चौड़ाई है वो हमें 12 इंच लेनी है। ठीक है, 12 इंच डबल में लेनी है, मतलब 24 इंच लेनी है। लंबाई हमें 16 इंच 10 निशान लगाना है। लंबाई लेनी है और 12 इंच चौड़ाई, ऐसे इसको करके कटिंग करते हैं। इतना कपड़ा हमें निकालना है। ठीक है, इसको हमें निकालना है। फिर हमें इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है चौड़ाई में। देखिए फ्रेंड, हमें चौड़ाई में एक बार फोल्ड करना है, और जो हमारा फोल्ड साइड है उधर से हम गला निकालेंगे, और जो इधर से ओपन साइड है उधर रखना है। देखिए, ये फोल्ड साइड है, इधर से हमें गला काटना है। यहाँ से हम 4 इंच लेंगे, 2 इंच का हमें गला निकालना है। ठीक है, फिर यहाँ से 5 इंच यहाँ से लेना है हमें। ठीक है, इस लाइन को हमें सीधा करना है। 4 इंच हमने यहाँ से लिया है, 5 इंच हमें ये रखना है। ठीक है, 2 इंच का हमें गला निकाल के यहाँ से गले की लंबाई हमें 3 इंच करनी है। इसको हमें सीधा मिलाना है इसको। ठीक है, फिर जो हमारा ये बचा है इसका हमें हाफ करना है, एकदम 1 इंच पे निशान लगा के। देखिए फ्रेंड, ये हमें गले का निशान लगाना है, ये हमारा जो आर्म होल होता है उसका लगाना है। फिर हमें गले की गोलाई काटते हैं, गोल गले पे निशान लगाया। फिर जो हमारा ये पार्ट बचा था 2 इंच का, उसमें हमने हाफ में निशान लगाया। फिर हमें इसे गोलाई देनी है, ऐसे गोलाई देनी है हमें। ठीक है, इसका हाफ करके ऐसे गोलाई अच्छे से आ जाएगी। फिर हमें यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है, ऐसे हल्की सी गोलाई देनी है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, और फिर इसके बाद हमें यहाँ से 6 इंच का लेके ऐसे हल्की सी, देखिए हमने 6 इंच का यहाँ से लिया है। उसके बाद हमें हल्की सी यहाँ से गोलाई देनी है, और फिर यहाँ से एक गोलाई हमें यहाँ पे देनी है ऐसे। देखिए, एक गोलाई हमें यहाँ से ऐसे देनी है। देखिए, ये हमारे कंप्लीट निशान लग गया है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये अगर प्रिंटेड कपड़े पे बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लाइट कलर का। मेरे ये प्लेन कपड़ा था इसलिए मैंने इसी की बनाई है, तो मुझे सिखाने के लिए बस। देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है, ये सामने से ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसमें हमें सारी यहाँ से लेके सारे में पाइपिंग लगानी है। 2 डोरी हमें यहाँ से बांधनी है और 2 डोरी हमें यहाँ से बांधनी है। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी हम पाइपिंग काटते हैं। हमें 1 इंच चौड़ी पाइपिंग निकालनी है। देखिए, हमें ऐसे उरेब में 2 पट्टी निकालनी है, ऐसे 4 पट्टी निकल जाएगी हमारे यहाँ, लेकिन निकाले हमें उरेब में है, सीधी पट्टी से पाइपिंग नहीं लग पाएगी। हो सके तो आप रेडीमेड भी ला सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं घर से बना के लगा रही हूँ। चलिए हम इसकी सिलाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पाइपिंग को जोड़ना है, जो हमने पाइपिंग काटी है उसको, एक इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे रख के इसको ऐसे जॉइंट लगाना है हमें। फिर दूसरी साइड में जोड़ना है। देखिए, सबसे पहले हमें पाइपिंग यहाँ से लगाते हुए, हमें डबल है, डबल में ऐसे लगाते हुए पाइपिंग लगाते हुए जाना है बस, इसमें कोई सिलाई और नहीं होगी।
यहाँ हमारी गोलाई है। देखिए फ्रेंड, पहले हमने ऐसे जोड़ लिए, अब हम इसे ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे पाइप पिन अटैच कर लेंगे। ठीक है, पहले इस साइड में करेंगे, फिर हम यहाँ से इस पार्ट में लगाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड, इतनी हमने पाइप पिन लगा ली है, अब हमें यहाँ से होते हुए पूरे इसमें पाइप पिन लगानी है। वो हम लगाने लगाते हैं, देखिए वही ऐसे हमें यहाँ से लगाते हैं। वैसे हमें बस इस पाइप को ज़्यादा खींचना नहीं है। देखिए ये हमें ऐसे कंप्लीट करना है। ये ऐसे हमने लगा लिया, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे इसको पाइपिंग लगाएंगे। ऐसे मोड़ते हुए पूरे में ऐसे सिलाई लगानी। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये हमने पूरे से पाइपिंग लगा ली है। देखिए ये हमें इसकी डोरी बनानी है, मैं ब्लैक कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये हमने डोरी बना ली है, इसके बाद हम आगे एक लटकन सी लटकाएंगे ऐसे। एक चाकू कपड़ा लेके इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके बीच में ये रख के इसको ऐसे सिलाई लगाते हुए देखिए हमें ऐसे डोरी अटैच कर ली है इसमें। फ्रेंड देखिए हमारा रेडी हो चुका है। दो बेल्ट हमने यहाँ पर लगाई है ऊपर, देखिए दो बेल्ट हमने यहाँ पर लगाई है, एक बेल्ट यहाँ पर लगेगी एक बार। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड ये हमारा रेडी हो चुका है। ये ऊपर ऐसे नेक पे बन जाएगा, ये हमारा बैक पे होगा, पीछे डोरी बैक पे जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये छोटे बच्चे का 1.5-2 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।